जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक जुड़ाव और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शांति और समृद्धि के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए 19 जनवरी 2023 को एसोसिएशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनियन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास, शांति और समृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक कनेक्ट और स्वास्थ्य पर केंद्रित करना था। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व शांति, समान विचारधारा वाली मानवता की प्रतिबद्धता, जलवायु परिवर्तन से निपटने, सतत विकास, गरीबी, भुखमरी को दूर करने और वर्तमान पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए समावेशी समाज का निर्माण करने के विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को माननीय मीनाक्षी लेखी और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती मालती गोयल जी की शुभकामनाएं भी प्राप्त हुई। ये सम्मेलन म्यांमार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, टोरंटो, मॉन्ट्रियल बीसी, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, म्यांमार और यूके के समान विचारधारा वाले लोगों के साथ AAPU आगे बढ़ रहा है। AAPU कल्चरल कनेक्ट के विषय पर पहले से ही काम कर रहा है और इसे क्लाइमेट एंड कल्चरल रेजिलियंस बनाने के लिए इस थीम पर पहले से ही कई कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। AAPU के संरक्षक डॉक्टर संदीप मारवा ने यूनाइटिंग वर्ल्ड थ्रू आर्ट एंड कल्चर के विषय पर बात की। उन्होंने कला और संस्कृति में अपना योगदान साझा किया और बताया कि कैसे सिनेमा दुनिया भर के लोगों को जोड़ रहा है। विभिन्न राजदूतों ने अपने क्षेत्र में सिनेमा में उनके योगदान को स्वीकार किया। डॉक्टर मारवा ने बताया कि मारवा स्टूडियो एशिया में 30 से अधिक संगठनों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर YP चावला, सम्मेलन निदेशक, राजदूत डॉक्टर SM सुफेल, राजदूत डॉक्टर SM सैफुल हक, विंग कमांडर P बख्शी, STIC के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गोयल, श्री JS सलूजा, डॉक्टर तनीमा बनर्जी, राजदूत KP फेबियन, राजदूत HE मो क्याव आंग ने सांस्कृतिक सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक जुड़ाव, पर्यटन के माध्यम से एकता, आसियान भारत सहयोग को मजबूत करने के विषय पर अपने विचार रखे। ये हर्ष का विषय है कि भारत को एशिया का केंद्र माना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को एशिया प्रशांत संघ के लिए प्रशांत का केंद्र माना जाता है और AAPU की दोनों जगहों पर मजबूत उपस्थिति है। एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक यूनियन जो कि 2001 में तैयार की गई थी, उसका एक सोल मकसद था कि हम लोग पहले एशिया और साथ जुड़ी हुई सभी तमाम देशों को एक साथ जोड़ें और सुख और शांति का वातावरण इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर होना चाहिए, ऐसा हमारा पर्पस था। पिछले कई सालों से कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग इन्हीं देशों के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स को बुलाकर अपनी बात रखें, सरकारी लोगों को बुलाकर अपनी बात रखें और जो सोच आम समाज के बीच में है एशियन कंट्रीज के लिए, उसको दूर देश तक इन्हीं देशों में, सरकारों में और आम जनता तक दोबारा पहुँचाने की कोशिश करें। मेरा रोल इसमें ये रहा है कि क्योंकि मैंने 30 साल पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, तो ये मेरा मकसद हमेशा रहा है कि जहाँ कहीं भी एकता, अखंडता की, दोस्ती की, प्यार और मोहब्बत की बात होती है, वहाँ पर मैं आर्ट और कल्चर को जोड़ देता हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं भी पहले एशियन मुल्कों से मैंने शुरू किया और तकरीबन 48 देशों को हमने आर्ट और कल्चर से जोड़ने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं लगातार पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूँ। हमारी संस्थाओं का नाम भी एशियन से है, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी, एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़, एशियन लॉ कॉलेज, एशियन बिजनेस स्कूल, आप जितनी भी संस्थाएं हैं वो एशियन शब्द से ही शुरू हुई हैं, क्योंकि ये मकसद रहा है कि अगर हम इन एशिया के सारे देशों को जोड़ देंगे तो हम एक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें तकरीबन 3/4 पॉपुलेशन रहती है वो जोड़ सकेंगे। मेरा नाम सुभाष गोयल है, मैं जनरल सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स हूँ एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनियन।
और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर आजकल जबकि आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई छिड़ी हुई है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी आपस में झगड़े का वो संभावना है, चाइना और ताइवान में भी किसी टाइम युद्ध छिड़ सकता है, और भारत जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट देश है क्योंकि इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के प्रेसिडेंट हैं, और ये एक मौका है जबकि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम इकट्ठे होके पूरी दुनिया में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद जब उन्होंने ये देखा कि भाई लड़ाई से कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने दिग्विजय को धर्म विजय में कन्वर्ट करा और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा और सारे साउथ ईस्ट एशिया, आज आप देखिए बुद्धिज़्म सारी जगह फैला हुआ है। तो हम सारी कंट्रीज से, रशिया से, चाइना से सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि भैया लड़ाई में ऑक्यूपाई करने में कुछ नहीं रखा, आप ट्रेड से, प्यार से, मोहब्बत से और दुनिया को हेल्प करके अपनी फिलॉसफी, अपनी जो भी है आपकी, उससे आप दुनिया जीत सकते हैं, बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती टेरिटरीज ऑक्यूपाई करें या क्या करें। आज भारतवर्ष को इतनी बुरी तरीके से 200 साल अंग्रेज़ों ने लूटा, फिर सारी इन्होंने लूटा, क्या नाम, मुग़लों ने लूटा, पर फिर भी आज भारत इस टाइम वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आज हमारे प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड लीडर हैं क्योंकि G20 के प्रेसिडेंट हैं। सर 2023 का क्या लक्ष्य है आपकी संस्था का, क्या? हमारी संस्था का एक ही लक्ष्य है कि एशिया पैसिफिक रीजन, अगर पूरा यूरोप में यूरोपियन यूनियन हो सकती है तो एशिया की कंट्रीज़ मिलके आपस में एक कॉमन ट्रेड, एक कॉमन पॉलिसी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आपस में सारे लोग यूनाइट हो जाएं और एशिया और पैसिफिक जो है एरिया, जो कि इंडियन ओशन का एरिया है, इस सारे एरिए में जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम मिलके पीस लाएं। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हूं, मैं मीडिया और रिपब्लिक और आपके सब टीवी से काफ़ी वाकिफ़ हूं, मिलिट्री एनालिस्ट भी हूं और इस संस्था का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूं पिछले 22 सालों से, मतलब 22 सालों से मैं ज्वाइन किया था, मैं अभी रिज़ाइन किया एज ए प्रेसिडेंट, मैं अभी इनका पेट्रन हूं, और एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ का यूनियन बनाने में मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ, ताकि यूनियन का मतलब है एशिया और पैसिफिक एरिया की कंट्रीज़ को प्रॉस्पेरिटी, जॉइंट डेवलपमेंट कर सकें, पीस ला सकें, और जितनी अदर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे चाइना से प्रॉब्लम आ रही कहाँ है, उसका मिल के सामना करें, ताकि जितनी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कोई हावी ना हो, कोई आधिपत्य ना जमाए, और सब ह्यूमैनिटी, इंसानियत सब मिल के अपना क्लाइमेट चेंज की तरफ योगदान दें, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड, डेवलपमेंट, साइबर, स्पेस, सारी इन चीज़ों को, और ख़ास मेडिसिन के लिए ध्यान दें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये तभी हो सकेगा कि हम जब जॉइंटली काम करेंगे, और जॉइंटली काम करने के लिए ये जो बाहर वाले जो आते हैं हमारा को क्या कहते हैं इंटरफियर करने, आपस में लड़ाने के लिए, आर्म सप्लाई करने के लिए, उनको रोकना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक यूनियन, टुडे दिस हैज बीन अ कर्टेन रेजर, टुडेज इवेंट हैज बीन अ कर्टेन रेजर फॉर अस एंड फॉर ऑल द फ्रेटर्निटी व्हिच हैज जॉइंड अस टुडे, स्पेशली फॉर द इवेंट व्हिच वी आर गोइंग टू हैव इन 2024 विद द डायमेंशंस एंड इन सपोर्ट ऑफ G20 प्रोग्राम व्हिच आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन एडवोकेटिंग एंड हैज टेकन प्रेसिडेंटशिप इन दिस ईयर। What I would say, entire technical session has been there. It cannot be elaborated in technical terms on the subjects of climate change, health and culture connect, which are of major importance. Yet, I would finish my statement by saying so, that we need to see, we are a ground floor organization, we need to see the commonality among the people, the country, the culture, and all the areas of cooperation as well as growth and development. नापू, ये कहाँ तक नापू,
क्योंकि ये बहुत दूर तक आवाज़ देने वाली संस्था बन गई है, जो हमसे कहती है, हमसे चाहती है कि हम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ उंगली उठाएं और हम सोचें कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को, संस्कृति को, हमारे सामाजिक आचरण को और विकास को किस तरह से देखते हैं। कई बार विकास असंतुलित हो जाता है, कभी हमारा व्यवहार असंतुलित हो जाता है, तो हमको चाहिए एक संतुलन जो हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति प्रदत्त है संतुलन। अगर ये इक्विलिब्रियम हम बना के रखेंगे तो हमें कोई भावनात्मक परेशानी होगी, न विकास के रास्ते में कोई रोड़ा आएगा, क्योंकि प्रकृति हमें मनचाह देती है और हम उसको शुक्रिया तक अदा नहीं करते हैं। शुक्रिया अदा करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम ये जानें कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है। सुबह सुबह धूप इन दिनों खिली हुई है दिल्ली में, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए, ए सुबह की धूप तेरा शुक्रिया, थोक में तूने विटामिन डी दिया, थोक में तूने विटामिन डी दिया, ए सुबह की धूप धूप तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपो की तरफ से और इंडिया चैप्टर की तरफ से मैं आशुतोष महेंद्रा, एक छोटा सेवक, और सस्टेनेबिलिटी के लिए, पीस के लिए, हारमनी के लिए और प्रकृति के पुनर्उजागर के लिए और भाई बंदी के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं, हिंदुस्तान भारत जो विश्वगुरु बनना चाहता है, आज एक लीड ले रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलके अपनी प्रकृति और अपनी नेचर और अपने भावों को सुधारें। टू सी इन द वर्ल्ड एंड दीज मेंबर्स आर एक्टिव इन चेंजिंग द वर्ल्ड, सो दैट इज व्हाई आई थॉट इट हैज बीन नॉट ओनली द कॉन्फ्रेंस बट ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग। एंड आई न्यू द फाउंडर एम्बेसडर विनीत प्रसाद अग्रवाल, हु वॉज माई सीनियर कोलीग। What message you want to deliver to young people? Well, as regards to young people, you know, we see war and conflict and tension, but we should not imagine that it is inevitable. Things can change. As I said, right. You know, in 1930s, when Mahatma Gandhi wanted independence, somebody thought it was a pipe dream, you know, but it happened. Right. So, world can change and can change for the better if the young people work for that. I'm sure as I look at all of you, you will be doing that. Hi everyone, I'm Ambassador of Azerbaijan, Ashraf Shekhaliyev, and today event of AAPU conference was a wonderful venue to discuss the climate change, the health issues, the cultural cooperation. I should say that culture is really what unites the hearts of people all over the world. And cultural ties uniting Azerbaijan and India are in much way influenced by the Marwah Studio, by AFT University of Noida, that is creating so many professionals of this film industry and entertainment industry of India. I'm Mahendra Singh Jadeja. I'm the director of the India operation for the new airline we are launching, the airline called Flypop, POP, People Over Profit, Planet Over Profit, and Purpose Over Profit. Our main aim and objective to make sure UK and India diaspora travel together in a very cost-effective way. I remember when Prime Minister Modi came to Germany and asking to look, we want one Indian can bring the five Indian, non-Indian diaspora, then India will be progress, which is true. How can you do that? Providing the low cost. So hum log low cost airline launch kar rahe hai, regulatory process about to finish this month. What would you like to say about 2 days in India?
My name is Arun Rungta, and I'm a member of Association of Asia Pacific Union. And this conference was a landmark conference where a lot of diplomats and ambassadors, high commissioners from various countries, various Asian countries and Pacific countries were invited. And we want to start an initiative which is for a sustainable development of climate, art and culture, trade. So all the experts and all the ambassadors, they give their opinions, and they talked about their own countries, and their country is in league with India. So I think it was a beautiful initiative, and this will go a long way in establishing better rapport, better peace initiative with all the other countries.